हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अनुशासन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हम घर पर हो या विद्यालय में, हमें अक्सर अनुशासन के बारे में सिखाते हैं। अक्सर विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अनुशासन पर निबंध लिखने को दिया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो अनुशासन पर बनाया है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन। प्रत्येक प्राणी के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रकृति में भी देखा जा सकता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अनुशासित है। समय पर सूर्य निकलता है और समय पर डूबता है। समय पर ऋतुएं आती हैं। पंक्तियों में उड़ते पक्षी व कतार में चलती हुई चींटियां भी हमें अनुशासन का संदेश देती हैं। हम चाहे खेल के मैदान में हों या विद्यालय में, घर में हों या सड़क पर, हमें हर वक्त अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें सरकार, समाज या अन्य किसी संस्था से बनाए गए अनुशासन को मानना चाहिए। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम समय का सदुपयोग करते हैं। बेकार की गतिविधियों में ध्यान न लगाकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी कार्य करते हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है, फ़ायदा भी अधिक होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करने से अनेक लाभ होते हैं। विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय के फर्नीचर, पुस्तकों और सफाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन से मानव की पूर्ण उन्नति संभव है। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता वह कभी सफल नहीं हो सकता। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला निबंध आपको किस पे चाहिए। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय।